मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ नगरीय क्षेत्रों में चुनावी बिगुल भी बज चुका है। पीथमपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी भी चुनाव प्रचार में लगे हैं और मतदाताओं के लिए कई तरह की घोषणा कर रहे हैं। पीथमपुर में चुनाव का घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। कांग्रेस वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी मनोज चौधरी चुनाव प्रचार में लगे हैं और मतदाताओं को कई तरह की सुविधा देने के वादे कर रहे हैं। खबर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता दीपक उपाध्याय से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहली महिलाओं के लिए रिक्शा चालू करवाना और युवाओं के लिए खेल मैदान, बिजली, पानी और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में करीब 25 वार्ड में कांग्रेस पार्षदों के जीतने का दावा किया है। आने वाले समय में किस तरह पूरी रणनीति रहेगी कांग्रेस को यहाँ से चुनाव जिताने की? कांग्रेस के लिए जिताने के लिए सबसे पहले तो हम कांग्रेस से जीतने के बाद नगर पालिका क्षेत्र पूरी हमारी हो और उस बीच में हम नए नए कार्यक्रम के साथ में जो भी हमारे कार्य है, सबसे पहला हमारा एक है महिलाओं के लिए एक रिक्शा, ई रिक्शा का सुविधा हर कॉलोनी में घुसने के लिए व्यवस्था करेंगे हम। पार्टी की तरफ से हमारा एक वो है लक्ष्य, नगर पालिका परिषद में हमारी सरकार बैठती है तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा कि ई रिक्शा की व्यवस्था और सिटी बस जो पब्लिक को जाने में तकलीफें आ रही है, और रहा जो खेल मनोज जी ने बोला खेल ग्राउंड पहले तय हो चुका था, जिस जगह पे बस स्टैंड बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने वो खेल ग्राउंड की जगह थी और वही विक्रम वर्मा जी ने वहां पर उसको शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। तो हम इस तरीके के काम नहीं करेंगे कि किसका उठाया उसके सर, उसका उठाया उसके सर। हम तो अपनी जगह पे स्थायी होकर एक आवाज पे और एक बुलंदी पे काम करेंगे। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं दीपक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं और इस चुनावी महाकुंभ 2023 में आपका स्वागत है। हर तरफ से जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। वार्ड नंबर 31 एक से लेकर 31 तक प्रत्याशी अपने दमखम के साथ हर वार्डो में चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मनोज चौधरी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे मनोज चौधरी जी से, पूछेंगे कि क्या क्या विकास कार्य आने वाले, जो जनता अगर जीत कर आते हैं, जनता इन्हें सिरमौर अपना देती है, तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे और क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इस वार्ड में इनके लिए? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे तो बहुत सारी तकलीफें हैं, चुनौतियां हैं। धीरे धीरे चुनाव जीतने के बाद में धीरे धीरे जैसा कोई डैमेज है, यहाँ पे बहुत सारे गंदगी भी है इस वार्ड में। मैं सुबह भी गया था तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत गार्डनों में भी बहुत गंदगी है, तो सब मिलके सारे वार्ड वाले मिलके हम सब मिलके एक साथ विकास करें। सबसे बड़ी चुनौती देखा जाए तो आपके सामने सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के अशोक पटेल खड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एक वर्चस्व की लड़ाई भी है और देखा जाए तो काफी उद्योगपति और समाजसेवी में गिने जाते हैं, उनको किस तरह टक्कर आप देंगे? उद्योगपति हो, समाज सेवी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे परिवार के साथी है। चुनाव एक अलग चीज है, हारना जीतना एक अलग इशू है। ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, न कि किसी व्यक्ति से, मेरी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है, उनसे मेरी विचारधाराओं की लड़ाई है। वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, और ऐसा कोई मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात भी नहीं बोलूंगा, वो परिवार के साथी है। तो 5,800 मतदाता है लगभग यहाँ, कितने मतों से जो है आपको सिरमौर मिलेगा और कितने मतों से आप विजयी? लगभग आपने क्या आकलन किया? ये 23 तारीख के दिन पता चलेगा कौन हारता कौन जीतता है, और सब मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं सब ये परिवार के साथ ही, कैलाश भैया, जरिया जी, अकरम दादा, मनोहर पाटीदार जी, ये सब चुनाव ये जीतेंगे, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरा वार्ड चुनाव लड़ रहा है, पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और पार्षद ये रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। आने वाली 23 तारीख को अगर आप जीतते हैं तो इसके बाद सबसे प्रथम आपका क्या रहेगा इस वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में, क्योंकि युवाओं के लिए भी कोई देखा जाए तो खेल मैदान नहीं है, कोई खेल मैदान नहीं है। मैंने तो पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय बहुत बड़ा खेल ग्राउंड अलाट करवाया था। हमारा तो सिर्फ ये मकसद है कि हमको नगर पालिका जीतना है। कांग्रेस पार्टी जो भी हुक्म करेगी हमारे साथ, हम खुद भी 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, 5 आदमी थे, पार्टी एक आदमी को टिकट दे सकती है, पार्टी ने एक आदमी को टिकट दिया, हम पार्टी के साथ तन मन धन से साथ हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस जी। अब जरिया जी भी हमारे साथ मौजूद, आने वाले समय में किस तरह पूरी रणनीति रहेगी कांग्रेस को यहाँ से चुनाव जिताने की? कांग्रेस के लिए जिताने के लिए सबसे पहले तो हम कांग्रेस से जीतने के बाद
नगर पालिका क्षेत्र पूरी हमारी हो और उस बीच में हम नए नए कार्यक्रम के साथ में जो भी हमारे कार्य है, सबसे पहला हमारा एक है महिलाओं के लिए रिक्शा, ई रिक्शा का सुविधा हर कॉलोनी में घुसने के लिए व्यवस्था करेंगे हम। पार्टी के तरफ से हमारा एक वो है लक्ष्य, नगर पालिका परिषद में हमारी सरकार बैठती है तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा कि ई रिक्शा की व्यवस्था और सिटी बस जो पब्लिक को जाने में तकलीफें आ रही है, और रहा जो खेल मनोज जी ने बोला खेल ग्राउंड पहले तय हो चुका था, जिस जगह पे बस स्टैंड बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, वो खेल ग्राउंड की जगह थी और वही विक्रम वर्मा जी ने वहां पर उसको शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। तो हम इस तरीके के काम नहीं करेंगे कि किसका उठाया उसके सर, उसका उठाया उसके सर। हम तो अपनी जगह पे स्थायी होकर एक आवाज पे और एक बुलंदी पे काम